नमस्कार, मैं अनीता करवा आप सभी दर्शकों का दादी जानकी गॉड्स मैसेंजर इस शो में तहे दिल से स्वागत करती हूँ। दर्शकों, दादी के जीवन के अनेक पन्ने हमने खोले हैं। दादी का सेवा भाव, दादी का समर्पण भाव, दादी का त्याग और सदा परमात्मा के साथ बुद्धि योग जोड़ने की शक्ति अनेक दिलों को परमात्मा के समीप लाई है। तो दादी के बारे में और जानने के लिए हम सबके अति स्नेही जयंती दीदी हमारे साथ में हैं। तो सबसे पहले गॉडलीवुड स्टूडियो में उनका स्वागत करते हैं। नमस्कार दीदी, बहुत बहुत स्वागत है। ओम शांति। दीदी, जैसे आप बता रहे थे कि 14 साल गहन तपस्या में परमात्मा के साथ कनेक्शन हर एक का जोड़ा, खुद का तो सदा रहा ही, इसके बारे में और बताइए। जब तपस्या का समय था तो वो तो ज़बरदस्ती था। फिर जब वापस भारत लौटे तो ये हुआ 1950 की बात, तो भी एक दो वर्ष तक तो वो तपस्या चलती रही। फिर एक निमंत्रण आया था, साधु समाज का कॉन्फ्रेंस होने वाला था अमृतसर में, तो ब्रह्मा बाबा ने उस समय दादी जानकी को वहाँ पर भेजा। तो उसने सोचा मेरे से तो और अधिक होशियार टीचर्स है, परंतु बाबा ने इन्हों को ही भेजा। और उसका कारण, एक अनेक कारण थे, परंतु एक कारण तो ये था कि कई साधु लोग उन्हों को जानते थे, क्योंकि उन्हों के पेरेंट्स के बगीचे में, कुटिया में वो रह चुके थे। तो 10,000 साधुओं का समाज था उस समय। तो उसके बीच में दादी जानकी पहुंची है, और एक ही माता, बाकी तो सब साधु लोग ही थे, कोई बहुत प्रसिद्ध वाले, कोई दूसरे दर्जे वाले, सभी। और जिस समय भाषण दादी का चला सभा के बीच में, तो जो स्टेज को हैंडल कर रहा था उन्होंने बिजली जलाई कि टाइम हो गया है, परंतु सभा ने कहा हम और सुनने चाहते हैं दादी का, तो दादी ने और भी कुछ सुनाया। फिर तो साधुओं को बहुत आश्चर्य लगा कि ये क्या हो रहा है, एक माता होकर ये सब कुछ, 10,000 साधु के ऊपर दादी ने जी। और फिर एक एक को अपनी टेंट मिली हुई थी जहाँ पर वो साधु लोग रहते थे, और उनों के लिए तो खाना बन के आता था। दादी ने उनों को कह दिया था आप मुझे सब कुछ कच्चा भेजना, मैं खुद ही बना करके भोजन तैयार करके लेंगी। तो हर बात में दादी का जो जिस तरह से चलता था अलग ही था। और जो माताएं आ रही थी सत्संग सुनने के लिए, वो कभी साधुओं के पास अकेली जा करके मन की बात कहे वो तो हो ही नहीं सकता था, परंतु अभी माता को देख करके दादी के पास लंबी क्यू लगती थी बहनों की। वो अपने दिल की बात सुनाने चाहते थे, कुछ और सुनने चाहते थे, तो भाषण तो अलग रहा, परंतु दादी के पास बहुत लोग आने लगे। तो साधुओं ने क्या किया, फिर एक जो ऑर्गेनाइजिंग कमेटी थी, एक चांदी की थाली पर फल फूल रख करके उस बीच में ट्रेन टिकट रखी, दादी वापस अभी जाए। परंतु दिस इज़ वन एग्जांपल, उस समय माताएं बहनें ज्ञान सुनाए, इट वाज रेवोल्यूशनरी। परंतु ब्रह्मा बाबा को लक्ष्य ही था कि जबकि मुझे संसार को इक्वालिटी में लाना है, तो जो हिस्से को बिल्कुल चांस नहीं मिला है उसको और ही अपलिफ्टमेंट का अफर्मेटिव एक्शन करना चाहिए। तो टीचर्स लीडर्स, बाबा ने 1937 से ट्रेनिंग दी थी कि आप लोग ही जाकर के विश्व में परमात्मा का संदेश देंगे। विश्व का क्या नक्शा है मालूम नहीं है, परंतु बाबा इस प्रकार की बातें उन्हों को कहते थे। तो माना अमृतसर से स्टार्ट हुई सेवा जी। फर्स्ट निमंत्रण वहाँ मिला, नेक्स्ट निमंत्रण जापान का मिला, वो फिर उसमें दादी प्रकाश मनी गए थे। परंतु फिर जहाँ जहाँ बहने चाहे अपने संबंधियों के पास जाती थी, क्योंकि कराची के पार्टीशन के बाद तो ये लोग 3 साल अधिक रहे वहाँ, तो उनके संबंधी तो यहाँ आ गए थे, तो सब उनको बुला भी रहे थे, तो उनके पास भी जाना हुआ, तो वो ज्ञान सुनाते थे, लोग इकट्ठे हो जाते थे, सेंटर शुरू हो जाता था। माना गए तो भी सेवा के भाव से ही गए। बिल्कुल बिल्कुल। फिर बॉम्बे में भी दादी गई अपनी लौकिक माँ के पास, अपने वर्ल्डनी मदर, तो फिर वहाँ पर भी दादी सत्संग करती थी।
मकांदपुर कुछ छोटा सा था, परंतु फिर दादी बीच पर जा करके बैठती थी या बगीचे में जाके बैठती थी, तो इस तरह से सेवाएं शुरू होती गई। और परंतु और भी बहनें थी, दादियां जिन्हों को हम बाद में कहने लगे, और वो भी साथी थे। तो दादी फर्स्ट बॉम्बे, फिर दिल्ली, इन स्थानों पर सेवा करके सेंटर स्थापन करने में मदद की। दिल्ली की एक कहानी सुनाती हूँ। इतना सिंपल लाइफ था जो आप मान नहीं सकते हैं उनका क्या भोजन होगा। रोटी और नमक बस। तो वहाँ पर थोड़े लोग आने लगे, दो तीन बहनें रहती थी उस स्थान पर। तो एक दिन एक व्यापारी आया, उसने कुछ ज्ञान सुना, अच्छा लगा, आने लगा हर रोज़। तो एक दिन वो कहे कि आपका भंडारा हमें देखना है। तो एक दो को बहनें देखने लगी कि अभी मतलब क्या, परंतु अच्छा आदमी है, भावना से कहता है, तो उनको लेके गए। तो छोटा सा ही भंडारा था, एक चूल्हा था और बाकी एक डब्बा था, भंडारे में तो और कुछ था भी नहीं। तो उन्होंने जब देखा तो समझ गया कि बहनों की कितनी सिंपल जीवन है। तो फिर उन्होंने जा करके बोड़ी चावल की, बोड़ी आटे की भेजी। तो फिर उनको ये संकल्प था कि आबू में भी तो वॉर के बाद तो बहुत रिस्ट्रिक्शन से राशन था, आदाद, ये सब कुछ इस तरह से चल रहा था। तो उन्होंने बोड़ी की बोड़ी ही वहाँ भेज दी, क्योंकि वहाँ तो बहुत भाई बहन थे बाबा के साथ, तो सब कुछ वहाँ भेज दिया। फिर उन्होंने और ला करके इन्होंने ले दिया। तो इस तरह से सेवा, और कुछ नहीं सोचना, परमात्मा का प्यार। और आप दादी से उन दिनों का अनुभव पूछो तो कहेंगे कि हमको तो परमात्मा के प्यार में और कोई बात नज़र ही नहीं आती थी, कहाँ ना मिले ना मिले, क्या हर्जा, भगवान के गुण गान करते थे, उस आनंद में रहते थे। जैसे आपने विदेश का भी अनुभव सुनाया, कहा चार दिन आप फल पे रहे। दादी अमृतसर में पहले सेवा के लिए गई, बाद में भारत में कहाँ कहाँ दादी ने सेवाएं की, कौन से गांव में शहरों में जाके? जहाँ तक स्थापना का कार्य है, थोड़ा लंबा समय रह करके स्थापन करना, वो दिल्ली, बॉम्बे, अमृतसर और फिर पुणे और अहमदाबाद और कुछ समय बेंगलोर, कुछ समय चेन्नई, उसको मद्रास कहते थे। तो इन स्थानों पर शुरू में जो स्थापना का कार्य चला है उसमें दादी ने सहयोग दिया। बाकी तो फिर तो कोने कोने में दादी ने सेवाएं की। Then 140 countries. जी, और भारत में भी कई स्थानों पर ऐसे गई जिन्हों का नाम भी मुझे नहीं मालूम। तो हंसबेन जो दादी की साथी रही है और सेवा में भी रही है ये अंतिम 15 वर्ष, मैंने पूछा दादी छोटे छोटे स्थानों पर क्यों जा रही है, तो हंसा ने बहुत अच्छी बात कही कि जहाँ गरीब लोग हैं वो तो आबू में कभी आ ही नहीं सकते हैं, तो दादी का मन है कि वो मेरे पास नहीं आ सकते, मैं कम से कम उनों के पास तो जाऊँ। इतनी बड़ी दिल जी, दिल्ली में बड़ा प्रोग्राम कर रहे हैं उसमें जाना वो तो अंडरस्टूड, बेंगलोर में बड़ा प्रोग्राम कर रहे हैं वो भी अंडरस्टूड, परंतु छोटे छोटे स्थानों पर, और वहाँ पर दादी देखती थी कितनी उनमें श्रद्धा है, कितनी उनमें भावना है, तो उनों की जैसे कि वो भावना भी पूरी होती थी। दादी एक अच्छे खाना भी बहुत अच्छा बनाती, मैंने एक वीडियो देखा कि सिंधी कड़ी और साबुदाने का कुछ शीरा, क्या बहुत अच्छा दादी एक खाना भी बनाती थी। बिल्कुल, दादी ने खुद तो दादी का भोजन बहुत सात्विक और बहुत थोड़ा था, पर औरों को बहुत अच्छा दादी खिलाती थी शुरुआत से ही। बिल्कुल, और मैं समझती हूँ, कईयों कहते हैं ना कि ये एक बुद्धि है ये दूसरी बुद्धि है, सही है, तो इस बुद्धि के द्वारा उस बुद्धि पर भी असर होता, अन्न का मन पर प्रभाव पड़ता। और अपना एक नियम है, खाना बनाना परमात्मा की याद में, फिर भोग लगाना परमात्मा को, और फिर वो भोजन स्वीकार करना। तो दादी के पास कई ऐसे एग्जाम्पल्स मैंने देखे जो दादी उन्हों को सिंपल परंतु बहुत टेस्टी भोजन बनाकर खिलाती थी, उन्हों की बुद्धि परिवर्तन हो जाती थी। बिल्कुल, मैं देखती थी कि कैसे
यहाँ दादी मिठाइयाँ भी बहुत बढ़िया बनाती थी, अच्छा, तो मिठाई भी बना करके दादी आबू में भेजती थी। तो बाबा हमेशा जो पूना से मिठाई आती थी, बाबा जरूर थोड़ी सी लेते थे। आपने भी जैसे एक अनुभव शेयर किया था कि महाबलेश्वर गए थे, तब दादी ने आपके साथ प्रसाद के डब्बे दिए। हाँ जी जी, दैट्स राइट। तो दादी को बहुत था कि भोग लगा करके जो अन्न होता है वो शुद्ध अन्न होता है, उसका मन के ऊपर ज़बरदस्त प्रभाव पड़ता है। तो किसी भी आत्मा को नज़दीक लाना है, उनको शुद्ध भोजन खिलाएं। जी, और दादी बहुत होशियार थी, बहुत बढ़िया खाना बनाती थी। ये सिंधी कड़ी भी दादी ने बहुत, उसका एक वीडियो बहुत लोगों ने देखा है, तो दादी वो भी बनाती थी। अच्छा। दादी साउथ अमेरिका में थी, देखा पाइनएप्पल बहुत है, तो दादी ने उनको बोला एक दिन मैं आपको पाइनएप्पल का हलवा खिलाएंगी। अच्छा। तो दादी के पास कोई रेसिपी बुक नहीं होता था, परंतु देखते ही दादी को एक क्रिएटिविटी थी, जो दादी कहती थी अच्छा ठीक है पाइनएप्पल लेके आओ, और हाँ थोड़ा ये डालेंगी थोड़ा ये डालेंगी, बाकी ज़्यादा मैं पाइनएप्पल डालेंगी। बहुत बढ़िया हलवा बन गया, बाबा को भोग लगाया, फिर सबको खिलाया, और फिर उसके बाद उन्हों के पास भी सिस्टम शुरू हो गई पाइनएप्पल का भोग बनाना। दादी के दो शब्द हमेशा सब क्लासेस में मैं सुनती हूँ कई बार, सच्चाई और सफाई। हमेशा दादी के हर क्लास में शुरुआत या एंड में देखती हूँ सच्चाई सफाई, ये शब्द आता है, उसका अर्थ यथार्थ रूप में क्या है? दादी को ये सत्यता के लिए बहुत भावना थी, बहुत प्यार था। तो दादी समझती थी कि जो सच्ची दिल होंगी वही भगवान को प्यार से याद कर सकेंगी, और उनका प्यार भगवान पर पहुंचेगा, परंतु भगवान का प्यार उस आत्मा को भी मिलेगा, और उस आत्मा को वो सत्यता का सुख की प्राप्ति होंगी। तो दादी ये लेसन बहुत अंडरलाइन करती थी, और ये कहती थी कि जब तक मन साफ नहीं है तब तक सत्यता को जान भी नहीं सकते हैं। और ये तो अनुभव की बात है, मानो कि मेरे मन में आपके प्रति कुछ भी और अशुद्ध भावना हो, तो आप जो कुछ कहेंगे मैं बिल्कुल नहीं मानने के लिए तैयार होंगी। सत्य बात भी होंगी तो मैं नहीं समझ पाएंगी। मन मेरा साफ है तो जब सही बात सुन रहे हैं तो फिर बुद्धि में भी बैठती है कि हाँ ये ठीक बात होंगी। तो सच्चाई और सफाई का कनेक्शन बहुत गहरा दादी स्पष्ट करके बताती थी क्लासेस में। आप अपने दिल को साफ रखो, आप अपनी बुद्धि में ज्ञान रत्न रखो, क्योंकि आपकी बुद्धि एक तिजोरी है। उस तिजोरी में आप पत्थर रखेंगे, फालतू बातें रखेंगे, किसके प्रति गिलानी की बातें रखेंगे, आपकी बुद्धि में ज्ञान रत्न ठहर नहीं सकेंगे। तो जो सत्य ज्ञान को जानना है, सत्य बाप के साथ संबंध रखना है, तो पहले तो अपने मन को साफ करो, सफाई, और फिर सच्चाई। फिर सच्चाई से चलने में आपको शक्ति मिलेगी। सच्चाई होगी तो कभी भी आपके मन में डर नहीं होगा। और एक चीज़ मैंने मार्क की कि बाकी जो क्लासेस करते हैं ब्रह्मा कुमार भाई बहने, एक बार ओम शांति बोलते हैं, दादी तीन बार बोलती थी, इसका क्या अर्थ? दादी की बुद्धि बहुत क्रिएटिव थी। तो पहले तो दादी हमको ये कहती थी, एक है आत्मा, मैं शांत स्वरूप, दूसरी ओम शांति है, मैं परमात्मा शांति सागर की संतान हूँ, तीसरी ओम शांति, मुझे शांति धाम अपना घर याद है, मुझे वहाँ जाना है। फिर नेक्स्ट दादी उसका इंटरप्रिटेशन बताती थी, पहली ओम शांति है मैं कौन हूँ, दूसरी ओम शांति है मैं किसकी हूँ, तीसरी ओम शांति है कि मुझे अब क्या करना है। दादी ओम शांति के भी भिन्न भिन्न प्रकार से बहुत क्रिएटिव रीति से अर्थ बताती रहती थी। माना स्वयं का, आत्मा का परिचय और उससे कनेक्शन जोड़ना। जी। दादी की मेमोरी वंडरफुल। मैं समझती हूँ, मैंने जो भी पढ़ा कि इस एज में भी 103-104 में शायद छोड़ा, पर उतने में भी 80% चीजें दादी को याद रहती थी। जी जी। हाउ इट इज पॉसिबल? सच्चाई, सफाई। दादी फालतू बातें अपने पास याद नहीं रखती थी। कई बार हम कहते थे दादी आपको तो ये कहानी मैंने सुनाई, कहती है मैं फालतू बातें थोड़ी याद रखेंगी। तो जो काम की चीज़ है वो आप याद रखो, वो आप बुद्धि में दोहराओ, तो बहुत आपकी मेमोरी उन बातों के लिए अच्छी होंगी,
फालतू बातों के लिए आप कहेंगे आपने बताया था क्या, मुझे तो अच्छा भूल ही गया। तो फिल्टर करना, मेरी काम की बात क्या है वो मैं अपने पास जमा रखूं, नहीं तो मनुष्य का क्या है जो काम की चीज़ है वो भूल जाते, फालतू बातें याद करते। तो दादी कहती नहीं, जो काम की चीज़ है वो याद करो, और जो फालतू बातें हैं उसके लिए जगह नहीं है, समय नहीं है मुझे। तो इस कारण से, और ये भी आप देखेंगे कि जबकि क्लियर लाइन है परमात्मा के साथ, तो जो क्लैरिटी होती वो क्लैरिटी आपके हर जीवन में वो नजर आएंगी। सिर्फ परमात्मा की याद में हमारी क्लियर लाइन है वो बात नहीं, परंतु कदम कदम पर वो क्लैरिटी सामने आती ही रहेंगी। दादी का देखा हमने, दादी के जब भी क्लासेस सुनते हैं तो हर एक को अपनापन फील होता था। दादी हर एक को नाम से बुलाती थी, कोई कितना भी दूर बैठे उनका नाम लेके उनको बुलाती थी, तो एक अलग कनेक्शन जुड़ता था। जी, इसके लिए आप क्या कहेंगे, कैसे मतलब? दादी को मालूम होता था, जैसे हम पहले भी कहते थे इंट्यूटिवली, दादी को मालूम पड़ता था कि किस आत्मा को क्या ज़रूरत है। अभी वो आत्मा वहाँ दूर बैठी है तो इधर उधर ध्यान भी जा सकता, और दादी को मालूम है मुझे आज क्या बात सुनानी है, तो उनको ज़रूर बुला करके नज़दीक बिठाएंगे ताकि वो ध्यान से सुने, ताकि उनको जीवन में कुछ फ़ायदा हो। या कई बारी दादी जानती थी कि यदि मैं इसका नाम लेंगी तो वो खुश होंगे कि सभी के सामने दादी ने मुझे प्यार से याद किया, तो इस कारण से भी कई बार दादी बुलाती थी। तो दादी को मालूम था कैसे आत्मा को खुशी दिलाएं, और फिर साथ साथ दादी के क्लासेस में बहुत ह्यूमर भी था। सही है। जो शुरू में दादी विदेश आई तो उस समय बहुत सीरियस थी, फिर दादी का परिवर्तन में देखती गई कि दादी विशाल दिल विशाल बुद्धि, ये तो शुरू से ही देखा, परंतु दादी का ह्यूमर और लाइटनेस, दादी ने खुद ही बताया कि दादी शुरू में डांस नहीं करती थी, जब और बहनें डांस करते थे प्यार में मौज में परमात्मा की याद में, परंतु फिर दादी इतना हल्के होकर के डांस करती थी, औरों को कहती थी कि आप इतनी सीरियस क्यों हो, परमात्मा की याद में तो खुशी मौज मनाओ, आप प्यार से गाओ गीत गाओ डांस करो। तो दादी बहुत हल्की हो गई थी। दादी के कई सॉन्ग्स हमने देखे, चलते चलते जैसे, दादी जैसे, सब सारा 25,000 लोग जो डायमंड हॉल है उसमें बैठे हैं और सारे झूम रहे तो एक दादी के कारण ऐसा एटमॉस्फेयर बन जाता जी। था 1978 में दादी को द मोस्ट स्टेबल माइंड इन द होल वर्ल्ड ये किताब से नवाजा गया, इसकी क्या कहानी है पूरी? दादी गई थी सैन एंटोनियो में टेक्सस में, और वहाँ पर जो अपनी बहन इंचार्ज है टेक्सस में, वो आर्मी में कर्नल थी, तो यूएस आर्मी में, परंतु साथ साथ राजयोग टीचर भी थी। तो उन्होंने अपॉइंटमेंट अरेंज की थी, उन दिनों में ये नई बात निकली थी कि वो ब्रेन करंट्स को मेजर कर सकते थे, तो ईईजी की मशीन्स, वेव्स के, हाँ, और बायोफीडबैक मशीन्स, ये सब उन दिनों में शुरू हुआ था। तो उन्होंने क्या सोचा कि दादी को वायर करके फिर प्रश्न पूछते गए, और दादी को उस समय ट्रांसलेशन भी मिल रही होंगी, मैं थी नहीं, परंतु जो मैंने सुना, तो उस समय वो दादी से प्रश्न पूछते गए, मल्टीप्लिकेशन एडिशन सब्ट्रैक्शन, इस प्रकार के प्रश्न, वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस। हाँ, तो वो नहीं तो नॉर्मल व्यक्ति उस प्रश्न में अपना दिमाग देता तो कोई हायर कॉन्शियसनेस नहीं रहती, परंतु उन्होंने ये देखा कि जो भी हम प्रश्न पूछ रहे हैं उनका उत्तर भी मिल रहा, परंतु दादी की फिर भी हायर कॉन्शियसनेस, वो जो परमात्मा की याद की स्टेज है वो बनी रही, तो तभी फिर उन्होंने ये कहा। परंतु जब हमने उनको कहा कि आप हमको वो रिजल्ट्स दियो एक्सपेरिमेंट का, उन्होंने लिखित में नहीं दिया, तो हम कम आजकल ये यूज़ करते हैं टाइटल, क्योंकि उसका बैकअप प्रूफ वो हमारे पास हाथ में नहीं है। पर मैंने बहुत लोगों से सुना कि बिलो थ्री थॉट्स डेल्टा माइंड थी दादी। वही मतलब दादी का बहुत स्टेबल, और ये तो हम प्रैक्टिकल देखते थे, नीचे ऊपर बात कुछ हो रही है, दादी डिटैच्ड, वेरी स्टेबल।
बहुत सुंदर, ऐसे लग रहा है कि जैसे सुनते ही जाए और दादी के एक एक अनुभवों को जीवन में उतारे और अपने भी जीवन में थोड़ा कुछ परिवर्तन लाए। बहुत सुंदर बातें आपने दादी के बारे में बताई, इसी चर्चा को ऐसे ही आगे रखेंगे। तब तक नमस्कार। ओम शांति। ओम शांति। दर्शक मित्रों, जयंती दीदी ने हमें बताया कि दादी जी द मोस्ट स्टेबल माइंड इन द होल वर्ल्ड, जग में सबसे स्थिर मन वाली व्यक्ति थी, फिर भी कभी दादी को उसका अभिमान नहीं आया। हमेशा दादी का मन परमात्मा की स्मृति के कारण स्थिर रहता था। सबसे ज़्यादा ट्रैवल करने का एक रिकॉर्ड भी सेवा के लिए 50,000 अबव किलोमीटर्स 103 साल की उम्र में दादी ने ट्रैवल किया, ये अपने आप में एक बड़ा रिकॉर्ड है। उसके साथ साथ दादी सदा एक नामी और इकोनॉमी रही, परमात्मा की स्मृति में रही और इकोनॉमी से चली। दादी हमेशा कहती थी कि मुझे फूल भी नहीं चाहिए, मेरी अर्थी पर भी फूल नहीं चढ़े, मेरी अर्थी पर भी ज़्यादा खर्चा न हो। तो अभी के सिचुएशन हम देख रहे हैं कि वैसी परिस्थिति हुई। भगवान अपने बच्चों की हर इच्छा पूरी करता है, हमने देखा। मैं अंत में दादी के लिए इतना ही कहूँगी कि दादी जी, आपका चेहरा आपके स्वभाव को प्रकट करता है, आपका चेहरा आपके स्वभाव को प्रकट करता है, आपका स्वभाव आपकी सरलता को प्रकट करता है, आपकी सरलता आपकी संतुष्टता को प्रकट करती है, आपकी संतुष्टता आपकी प्रसन्नता को प्रकट करती है, आपकी प्रसन्नता आपकी खुशी को प्रकट करती है, आपकी खुशी आपकी हंसी को प्रकट करती है, आपकी खुशी औरों को खुशी दिलाती है, आपकी हंसी औरों को हंसाती है। भले आज दादी जी हमारे बीच में नहीं है, पर उनकी स्मृतियाँ, उनकी प्रेरणाएँ, उनकी शिक्षाएँ, उससे हम सदैव आगे बढ़ते रहेंगे। ओम शांति। नमस्कार।